क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 2001 के संसद हमले की बरसी पर एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक और लोकसभा के अंदर 2 युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों की बेंच पर पहुंच गए और तरल गैस का छिड़काव कर दिया। वहीं दूसरी ओर संसद के बाहर एक युवक और एक महिला ने गैस का छिड़काव कर जमकर नारेबाजी की। लोकसभा के अंदर सांसदों की मदद से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस ने संसद के बाहर से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया है। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदे एक युवक का नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है। खबर है कि सागर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिंह के नाम से जारी विजिटर पास के जरिए संसद भवन में दाखिल हुआ था। वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। सागर के अलावा जिस शख्स ने लोकसभा के अंदर हंगामा किया था उसका नाम मनोरंजन डी है। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले मनोरंजन की उम्र 35 साल है। उसने बेंगलुरु की विवेकानंद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। सागर और मनोरंजन के अलावा दिल्ली पुलिस ने 2 और लोगों को संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किया है। संसद के बाहर से हिरासत में लिए गए आरोपियों का नाम नीलम और अनमोल शिंदे है। नीलम की उम्र 42 साल है। वो हरियाणा के हिसार के रहने वाली है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम अनमोल शिंदे है। अनमोल के पिता का नाम धनराज शिंदे है और महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। इसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। नीलम को जब गिरफ्तार किया गया तो वो लगातार भारत माता की जय और तानाशाही बंद करो के नारे लगाती रही। इसके अलावा उसने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद करो और जय भीम के नारे भी लगाए। हालांकि संसद के अंदर और बाहर जिन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है उनका आपस में संबंध है या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार ये घटना संसद भवन के बाहर और ट्रांसपोर्ट भवन के सामने हुई है। दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेकर गई। दिल्ली पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि आज ही के दिन 22 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस समय भी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और बड़े बड़े नेता इस समय पार्लियामेंट में मौजूद थे। इस लिहाज से देखा जाए तो संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है।